के हमारे साइंटिस्ट थे और जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारी थे, जो इसरो ने जो हमको बताया है, इसरो के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि ये जो दो तीन दिन पहले जो बर्फ़ वहाँ पर गिरी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहाँ से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लाइड हुई है, तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो क्या कहना है रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है। और वैसे भी उनका कहना था कि ये एवलांच प्रोन एरिया नहीं है, तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। हाँ, उनका ये कहना है कि ग्लेशियर उन्होंने चित्र दिखाए वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई इस तरह की ग्लेशियर नज़र नहीं आ रहे, बड़ा साफ नज़र आ रहा है। जो दो तीन दिन पहले के जो इमेज हैं, जो वहाँ की इमेजरी है, उसमें इस तरह के कोई दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई दे रहा कि वो पहाड़ नेकेड है बिल्कुल, और एक टिगर पॉइंट पे कुछ दिखता है वहाँ पर ऊपर टॉप में, तो वहाँ कोई स्लाइड हुआ है कोई पहाड़ का टुकड़ा, उसके कारण ये पूरा बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लिप होकर के और इन परियोजनाओं को नुकसान पहुँचाया।